रविन्द्रनाथ ठाकुर 7 मई 1839, 7 अगस्त 1949 कवि सत्य का रसायनिक और भारतीय सत्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले युगद्रष्टा वे ही थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। वे एकमात्र कवि है जिसकी दो रचना दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बंडला गुरुदेव की रचना है। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 1914 में उन्हें राजजॉर्ज पंचम में नाइटहुड की पद्मश्री से सम्मानित किया था। 1939 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1839 को कोलकाता के जोड़ासा ठाकुरवाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता सरला देवी थी। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठा सेठ जेवी स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के विचटॉन पब्लिक स्कूल में नाम लिखा। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही सबसे लौट आए। सन 1883 में कुणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ।